हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूं रोहन कुमार राय और आज मेरे साथ एक ऐसे सिंगर हैं, अगर मैं कहूं कि यू नो ही इज टैलेंट पर्सोनिफाइड, तो वो बड़ा कम सा डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि फ्रैंकली वो इतने सालों से गाने गा रहे हैं कि मुझे खुद को भी नहीं ध्यान है कि कब मैं इनका फ़ैन बना और कब मैं इनके गाने सुनते सुनते जो है वो बड़ा हो गया। ही इज़ नन अदर देन फॉर मी एटलीस्ट ही इज़ अ लेजेंड, सो आई विल से द वेरी लेजेंडरी दलेर मेहंदी सर। थैंक यू दलेर भाजी, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं, अभी बाहुबली 2 के लिए आपने गाना गाया बड़ा प्यारा सा साहोर, तो उसे शुरू करते हैं। अगर आप फैंस को 2-3 लाइनें जो है गुनगुना के, उसके जो लाइन है वो बहुत कमाल है कि भले वली राह बली साहोरे बाहुबली। और इस वक्त मैं इसलिए नहीं गा सकता हूँ कि उसके लिए बहुत हाई पिच है, ओके, बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि आप स्पेशल उसको सुनें, मुझे अच्छा लग गया। जी भाजी, तो पाजी बाहुबली की बात की भी हमने, बाहुबली बड़ा एंटिसिपेटेड सा सीक्वल है जी। क्या आपको कोई आइडिया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब काफ़ी सारे लोग जानना चाहते मुझे हैं। मुझे इतना जरूर पता है कि बाहुबली ने दिलेर मेहंदी को टाइटल सॉन्ग क्यों गवाया, ये मुझे पता है। और ये नहीं मालूम क्योंकि मैंने पहली मूवी जो पार्ट 1 है वो भी मैंने नहीं देखा हुआ। अच्छा, और मुझे मौका नहीं मिला देखने का, पर मैं बहुत हैरान था जब उस टीम ने मुझे बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ MM करीम साहब का जी के, जो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे याद किया कि आपने चारों लैंग्वेज में गाना है। और तो मैंने जब ये गाना गाने गया था तो काफ़ी फैमिली मेम्बरी मेरे साथ थे, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पर। और मैं लकी हूँ कि मैं इस मूवी का पार्ट हूँ, और ये अर्थ की सबसे बड़ी मूवी है बाहुबली। और आप जानते हैं कि किस तरह लोग इंतज़ार कर रहे थे और लोग प्यार कर रहे थे गाने को। अभी अपने वर्ल्ड की बात की, पंजाबी पॉप गाने उसके पहले तो किसी को पता ही नहीं था ऐसे ग्लोबल लेवल पे पहुंच सकते हैं आप ले गए। अब आज जब आप 20-22 साल बाद इस बारे में सोचते हो तो आपकी क्या फीलिंग? ऑब्वियसली तब तो आप बड़े खुश हुए होगे कि भाई देखो क्या सोचा था, कहाँ निकल गए, पर बहुत आज बहुत जब आप सोचते हो तो आपकी क्या फीलिंग होती है उस वक्त? अब मेरी फीलिंग जैसे कि अभी अगर ज़माना तो नेट का है, जी और अगर नेट की बात की जाए तो मैं बहुत लकी हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी लैंग्वेज हो, जी, जो नेट पे एक गाना है हर 1 घंटे के बाद वो गाना उसकी रीच बढ़ती जा रही है, वो है तुनक तुनक तुन। जी, तो उसकी बड़ी खुशी होती कि मैंने 18 साल पहले ये गाना बनाया था, तब भी उस टाइम जब लॉन्च हुई थी एल्बम तो 10 लाख यूनिट लॉन्च हुई थी, और वो पहला लॉट विद इन 1 डे 10 लाख यूनिट बिक गई। क्या बात, 2 लाख CD। अच्छा, क्योंकि CD बिकना उस टाइम बड़ी बात थी बहुत। उसके बाद, उसके बावजूद आज हर 1 घंटे के बाद नेट पे अगर कोई गाना बढ़ता जा रहा है। फिर पिछले 4-5 सालों में हम लोग काफ़ी गैप से थे, कुछ काम कर रहे थे, लगे थे, और फिर सबका कहना था कि अब दिलेर मेहंदी नज़र नहीं आ रहे हैं जी, वो ज़माना था, एक ज़माना होता था, ऐसा था, वैसा था। तो मैं हंसता था सारी बातें सुन के, ये था क्या करते रहते, क्योंकि एक ज़माना था जी दिलेर मेहंदी का, चुप रहे, मस्ती करते रहे। पर पिछले साल सडनली फिर एक सबसे बड़ा अगर कोई गाना निकला तो वो मिर्ज़ा निकला, मिर्ज़ा के बाद फिर दंगल जी, मुझे लगता है सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और फिर मैं बहुत लकी हूँ कि बाहुबली अर्थ की सबसे बड़ी मूवी है, तो ये जो लोगों का वहम था या खुशफहमी थी तो वो भी ख़त्म हुआ। तो मुझे खुशी है कि अभी हम लोग बहुत बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बड़े काम हुए जी। और जो रैकेट जो कहते हैं ना कि मील के पत्थर हम लोगों ने दिए हैं दिलेर मेहंदी ने, तो उसको तोड़ने के लिए बड़ी देर लगी लोगों को। और मुझे खुशी इस बात की कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अब हम लोग नया काम जो है बहुत जल्दी जी इसी ईयर में अक्टूबर तक हम करने वाले हैं। तो जितना काम आपने हमारा देखा अभी तक या हमारे जो लिसनर ने सुना है जी, वो सारा एक तरफ होगा, एक नया दिलेर मेहंदी, नया म्यूज़िक, एक वर्ल्ड को नई सोच देंगे, एक नए तरीके का काम होगा, तो उसकी तैयारी में हम लोग भी लगे हुए हैं। क्या बात, तो और उसमें मैं जो फील करता हूँ कि अब मैं अपने आप को सिर्फ एक नया
अपकमिंग, अब समझ रहा हूँ, जो मैंने बड़े काम कर दिए वो सेट पे, मुझे एक बहुत बड़ा धमाका करना है। अब दलेर मेहंदी वर्जन 2.2। हाँ ये होगा। सो ये लाइव है बॉलीवुड बबल पे कि दलेर मेहंदी साहब पहली बार बता रहे हैं कि अब अक्टूबर तक दलेर मेहंदी 2.0, एक नया वर्जन, एक नए नए गाने, नए स्टाइल। जी, नया स्टाइल और वर्ल्ड को एक नई सोच, क्योंकि एक साथ सब म्यूजिक करते जा रहे हैं मिलके हम लोग जी, घुमा फिरा के। थैंक यू सो मच। तो दिस वाज दलेर मेहंदी साहब ऑन बॉलीवुड बबल फेसबुक लाइव, खास आपके लिए। होप यू लाइक इट एंड दिस इज बाय फ्रॉम अस फॉर नाउ। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम।